ऑन शिप। आज का हमारा टॉपिक है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स क्या होता है, नंबरिंग क्या होता है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बुलेट्स का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई सी लाइनों को टाइप किया है, कुछ पैराग्राफ को टाइप किया है, हम चाह रहे हैं कि उस पैराग्राफ या लाइनों के आगे कुछ एक लिस्ट के रूप में आप कुछ एरो लगा दें या फिर कुछ नंबर दे दें आप। तो हम यहाँ पर सीखेंगे बुलेट्स और नंबरिंग को। तो अगर आपको कुछ एरो वगैरह लगाना होता है लाइनों के आगे, लिस्ट के रूप में प्रदर्शित करना है हमें इन सारी लाइनों को, तो सबसे पहले आप उन लाइनों को सिलेक्ट करें जिनके ऊपर आप बुलेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो लाइनों को आपने पहले सेलेक्ट कर लिया और अब आपको जाना है बुलेट्स ऑप्शंस पर। यहाँ पर शो भी हो रहा है जैसे नाम इसका बुलेट्स, तो यहाँ पर आप क्लिक करें। जैसे आपने ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करा तो अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पर बुलेट्स शो हो रहे हैं। तो जो भी आपको यहाँ से बुलेट्स को अप्लाई करना है वो आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी जो लाइनिंग थी वो एक लिस्ट के रूप में प्रदर्शित हो चुकी है। अगर आपको अगर आपको दोबारा इनको अनलिस्ट करना है तो आप दोबारा जितना भी एरिया है हमारा, जितने भी लाइनिंग लिखी है, उन लाइनों को फिर दोबारा सेलेक्ट करें और बुलेट्स ऑप्शन पर जाकर आप यहाँ से नन कर दें, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे जितने भी यहाँ पर बुलेट्स अप्लाई थी वो हमारी हट चुकी है यहाँ पर। ओके, तो इस टाइप आप यहाँ से बुलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, लिस्टों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं लाइन को। ओके, अब हम सीखने जा रहे हैं नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक नंबर के रूप में हमारी लिस्ट प्रदर्शित होगी। नंबर यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट में कर सकते हैं, तो अल्फ़ाबेट में भी यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप एरिया को सिलेक्ट करें, एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है नंबरिंग पर। कहाँ जाना है, नंबरिंग ऑप्शंस पर जाना है आपको। यहाँ पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हमारे सामने अलग अलग प्रकार की यहाँ पर नंबरिंग अप्लाई हो रही है। जैसे आपको रोमन में यहाँ पर अप्लाई करना है या अल्फाबेट में करना है या फिर डिजिट में करना है, तो जो भी आप नंबर यहाँ से अप्लाई करना चाह रहे कर सकते हैं। क्लिक करा, हमने यहाँ पर अल्फाबेट में लाइनों को प्रदर्शित कर दिया है, देखो। तो इस टाइप आप किसी भी लाइनों के ऊपर बुलेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा हटाना है तो दोबारा हम लाइनों को क्या करेंगे, सेलेक्ट करना होगा और वापस नंबरिंग पे जाकर यहाँ से आप नॉन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा बुलेट्स अनअप्लाई हो जाएगा। तो इस टाइप आप किसी भी पैराग्राफ, किसी भी लाइनों को लिस्ट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, यही हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग होता है। ओके।